हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MBBS इन कजाकिस्तान। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, रिसेंट बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है कि कजाकिस्तान में रूल्स फॉलो होता है या नहीं, NMC रूल्स फॉलो होता है या नहीं, और कोर्स ड्यूरेशन का भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि कजाकिस्तान में 6-7 ईयर का कोर्स करोगे तभी वैलिड होगा, या 5 ईयर कोर्स है, 6 ईयर का कोर्स है। तो इस बारे में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि NMC रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है कि नहीं। तो जनरली NMC रूल्स रेगुलेशंस है क्या, कि इंग्लिश में कोर्स होना चाहिए, 6 ईयर कोर्स होना चाहिए, 1 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप होना चाहिए। तो ये मेन और इंग्लिश में है, वो सब आपको उसके वेबसाइट पर मिल जाएगा। जो जो मेन जहाँ दिक्कत आता है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला ये है कि 6 ईयर कोर्स वाली बात, तो हाँ यहाँ 5+1 है, मतलब 5 ईयर कोर्स में 5 ईयर में आपका सारा सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होगा। और आप ये मेरे पे विश्वास मत करो, ये आप एम्बेसी के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और रही दूसरी बात इंटर्नशिप की, तो 1 ईयर इंटर्नशिप फॉलो कैसे हो रहा है कि इंडियन पैटर्न जैसा इंटर्नशिप का है, 180 आवर्स मेडिसिन में, 180 आवर्स फॉर मेडिसिन जो है, उस हिसाब से ही यहाँ भी फॉलो हो रहा है। उसका मैं लिंक डाल दूंगा कि कैसे कैसे कितने आवर्स का और किस सब्जेक्ट का कितना आवर्स इंटर्नशिप यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो उसका मैं सारा PDF लिंक में डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। बात आती है कि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है। ये मेरा थ्योरी नहीं है, ये आप इंडियन एम्बेसी वेबसाइट, इंडियन एम्बेसी इन कजाकिस्तान करके एक वेबसाइट है जो कि इंडियन ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ और एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कजाकिस्तान, वहाँ भी देख सकते हो। और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप चेकआउट कर लेना। तो मेन बात क्या है कि यहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, ठीक। मोड ऑफ लैंग्वेज 3 है, एक रशियन है, एक कजाक है और एक इंग्लिश है। इफ़ आप इंग्लिश में चूज करोगे तो इंग्लिश में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो और अपना लाइसेंस ले सकते हो। और लाइसेंस लेने के बाद आप इफ़ यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरे नॉन में कितने, मेरे जानकार में कितने डॉक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, इंडिया के तो मैंने देखे नहीं हैं, पाकिस्तान के हैं, जो कि कजाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। और एक दो टीचर हमारे यूनिवर्सिटी में भी हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, जो कि इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा और अब इस यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। तो रही बात किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज अब्रॉड, लाइक कजाकिस्तान में कौन से कॉलेज में लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जनरली बता दूँ मैं आप लोगों को कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होता है गवर्नमेंट कॉलेज। कॉलेज का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग टू लाइसेंसिंग में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं MBBS इन कजाकिस्तान में जो जो कॉलेज है उसके जनरल फ़ी स्ट्रक्चर, लाइक हॉस्टल में के कितना फ़ी कॉस्ट है, यूनिवर्सिटी पर ईयर कितना कॉस्ट है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इफ़ आपको किसी कॉलेज के बारे में स्पेसिफिक जानकारी चाहिए कि इस कॉलेज के बारे में वीडियो बना दो, तो आप कमेंट कर सकते हो या आप मेरे को इंस्टा मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसके बारे में स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि उस कॉलेज का रूल्स रेगुलेशंस, उस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर एंड हॉस्टल्स कैसा है।